अब शिव पुराण के अनुसार सिर्फ दो चार मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कष्ट दिक्कत बीमारी दुविधाओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से बाहर गुप्त चीज उठा ली और अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दी, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर महादेव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ सफलता देखने को मिलती है, उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप चुपचाप सही तरीके से उठा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, तो दोस्तों इतना उपाय करने से आप ही कि नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा, और जितनी भी चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं यह सारी जानकारी हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आपको इस सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठना है और घर में किस दिशा में स्थापित करना है, उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख दीजिए, ताकि इस सावन के सोमवार के दिन आप ये छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सावन के महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में हम बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए दोस्तों आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की नजर आपके धन को लग गई है, जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है, आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें दो चार बूंद आपको गंगा जल मिल लेना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद अब यह जो आप एक मुट्ठी चावल सफेद कपड़े में रख कर लाए हैं, इस सफेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को लाना है, अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी है तो अपने व्यापार स्थान में जहां पर आप पैसे का लेन देन करते वहां पर आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने चावल का यह उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया है, तो यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे।
इस उपाय को करने के बाद महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन में आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसका इलाज करा करा कर आप थक चुके हैं लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक शुद्ध लोटा जल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, पूरा एक लोटा जल। जब आप शिवलिंग पर डाल दें, उसके बाद शिवलिंग पर जो जल गिर रहा हो, जिनको हमारे हिंदू धर्म में जलधारी बोलते हैं, वह गिरता हुआ जल आपको अपने एक लोटे जल में ले लेना है। अब आपको अपने घर आना है, इसे एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर पर रख देना है। अब इस उपाय को करने के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाना है और इसे एक लोटा जल से थोड़ा सा दो चार बूंद उस बीमार व्यक्ति पर आपको डालना है जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। ये उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कीजिए और आप खुद देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार में शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव अगर बीमार व्यक्ति पर किया जाए तो वह व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को अंधविश्वास मत समझिएगा दोस्तों। इस उपाय को कई लोग करके अपनी बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं, तो इस उपाय को आप लोग भी कीजिए। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा मोर पंख ले लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मोर पंख टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अच्छा सा मोर पंख आपको किसी भी पूजा घर में बड़े आसानी से मिल जाएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक लोटा जल लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जो मोर पंख आप लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस मोर पंख को आपको लाना है, अपने कमरे के किसी भी किताब में दबा करके अपने कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बताते हैं। सिर्फ इतना उपाय इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके भाग्य में बदल जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहां पर आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। और अगर आप इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला खरीद लेते हैं और एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से छुआ लीजिए और अपने घर पर लाकर स्थापित कर दीजिए और प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण पढ़ते हुए इस माला का आपको जाप करना है। इतना उपाय अगर आप सावन महीने के किसी भी सोमवार से शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर आने वाली परेशानी दिक्कत अपना रास्ता बदल लेंगी। शिव पुराण में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु है जो आपके खिलाफ खड़े हैं, ऐसे कुछ आपके विरोधी हैं जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छे तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, किसी भी पूजा घर से आपको एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है, आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है और त्रिशूल को आपको शिवलिंग से छुआने के बाद लाना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर लीजिए और प्रत्येक सोमवार को त्रिशूल को आपको थोड़ी सी धूप दिखा देनी है। दोस्तों, यकीन मानिए ये एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे,
वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान हैं, और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना लायक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है, इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशंक के रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे दो जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी, और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा। और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे कड़े, कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी। जो महिला चूड़ी पहनकर दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी को यह तीन वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरा रंग
प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहने हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहने भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे, हरी चूड़ी दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है। और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब न ही दिन हो और न ही रात अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए दो जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर दो जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों,
सावन सोमवार के दिन धतूरा का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरा के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती है, एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेल पत्र ना चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा को। बेल का वृक्ष, मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाता है, तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाइएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में एक महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है।